कल हमें टाइगर वगैरह कुछ भी जानवर देखने के लिए नहीं मिला, तो आज फिर से जाना सुबह के 8 बजे हुए हैं, 8 या 9 बज रहे हैं। और ये गंदा बना देखा शाबाश बेटा, देखिए कैसे कैसे चल रही है। तो कल हमें टाइगर मिला नहीं था और भाई, और आज एक बार फिर से जा रहे हैं टाइगर के लिए, देखते हैं कोशिश करेंगे ऐसे ही आके फ्रेश हो गए, खाली हाथ मुंह भी नहीं धुला है। तो गाइस बारिश हो रही है और एक बार फिर से निकल चुके हैं आप लोगों को टाइगर और बहुत सारे एनिमल दिखाने के लिए। देखिए हालांकि आज नाइट टाइम करने का मन था मेरा, बट बारिश इतनी हो गई कि शायद मुश्किल लग रहा है, बट देखते हैं आज कुछ ना कुछ जानवर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है टाइगर की। देखिए कंटिन्यू जो बारिश हो रही है इसकी वजह से देखिए कितना ज़्यादा फर्क पड़ा है, कितनी ज़्यादा बारिश की वजह से कितना पानी भर गया है यहाँ पर हर जगह। अच्छा बारिश की वजह से आप देखें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, आप यहाँ पर देखिए जितने भी आदिवासी वगैरह थे सब खत्म हो गए, उसमें बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से कंडीशन बहुत ख़राब। तो अभी हम जा रहे हैं एक भाई के पास जो वहीं का लोकल है, वो हमें उसने ही बोला है खैर आज हमें घुमाने के लिए, यही हमें टाइगर रिजर्व घुमाएगा अमानगढ़ का, देखते हैं क्या मिलेगा। बारिश देखो बहुत आ पानी का बहाव देखो कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, इस समय कितना तेज़ है पानी का बहाव यहाँ पे कसम से। पता नहीं वीडियो में आ रही नहीं आ रही, बट मैं सामने खड़ा मुझे पता बहुत तेज़ चल रही है ये नदी, और इतनी तेज़ इसका आवाज़ बहने की, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है क्या बताऊँ मैं, बहुत तेज़। अब देखिए बारिश से इतना ज़्यादा बुरा हाल है, लेकिन हमारे जो गाड़ी के टायर है ना वो ऑलमोस्ट जो है इसमें डूब चुके हैं, मतलब इतना ज़्यादा बुरा हाल है, हर जगह पानी ही पानी है। शोर मत करना नाना, शोर मत करना चले जाएंगे। तो गाइस ये अभी यहाँ पे जो है सांभर डियर का पूरा ग्रुप पानी पीने आया था, शोर मैं नहीं करूँगा ज़्यादा क्योंकि मैंने अभी जब वीडियो बनाना स्टार्ट करा थोड़ी सी यहाँ पे आवाज़ हुई तो ये इधर उधर देख के थोड़ा सा जाने लगे थे। अब देखिए पूरा सांभर डियर का ये पूरा ग्रुप है पानी पीने आया था यहाँ पर, अब देखिए ये सामने चुप 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 पूरा एक ग्रुप है गाइस ये पूरा, और मैं यही चीज़ बता रहा था कि इस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है जानवरों की, बहुत ज़्यादा जितने मुझे दिख रहे हैं मैं आप लोगों को दिखाता हुआ चल रहा हूँ। पूरा झुंड जा रहा है यहाँ पे, हमें भी सडनली गाड़ी से जा रहे थे तभी हमें देखने के लिए मिला पूरा झुंड है एक पूरा। हालांकि यहाँ पे 6-7 बजे जो है वो टाइगर की एक्टिविटी होती है, बोलते हैं इस रोड पे जो टाइगर आते हैं वो मिलता है, लेकिन अभी हमें देखने के लिए ये मिला है यहाँ पे अमानगढ़। आप जैसे पता अभी जो जितने भी टाइगर रिजर्व जितने भी होते हैं सारे बंद कर दिए जाते हैं बारिश की वजह से, और अभी अमानगढ़ भी बंद है, अभी पूरा झुंड है यहाँ पे। और ये शायद पता नहीं किधर देख रहे हैं, इधर ही देख रहे हैं, पता नहीं किस साइड देख रहे हैं। पानी बहुत तेज़ है, पानी वगैरह पीने के लिए आए थे यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा है, एक साथ पूरा झुंड जा रहा है यहाँ पे। पन भी खैर ये नील गाय तो है नहीं, ये सांभर डियर लग रहे हैं, क्योंकि नील गाय जो होती है थोड़ी बहुत हल्की नीली सी होती है, बट इनका जो कलर है पूरा ब्राउन है, थोड़ा लाइट सा भी है। तो जहाँ तक ये सांभर डियर ही हैं पानी पीने के लिए आए थे यहाँ पे, काफ़ी तेज़ बहाव है यहाँ पे पानी का, देखो बहुत ज़्यादा। और शे लोग वापस जा रहे हैं, हालांकि अभी ये पास में ही थे, हम थोड़ा लेट पहुँचे यहाँ पे। इस वाले पूरे पुल पे जो एक्टिविटी होती है टाइगर की, हाथियों का पूरा झुंड जाता है, ये पूरा जो है वो जंगल है अमानगढ़ का, और पीछे जो है वो टाइगर रिजर्व है। कल हमें दो हाथी भी देखने के लिए मिले थे जंगल में, उस टाइम पे कैमरा ऑफ था मेरा, लेकिन उस टाइम मैं देख नहीं पाया कुछ। अभी आप देखो बारिश की वजह से कितना ज़्यादा जो पानी का बहाव है बहुत तेज़ है, बारिश के कारण अभी जो पानी का बहाव बहुत तेज़ है। और ये वाला जो रास्ता है इस रास्ते पर हालाँकि चहल पहल काफ़ी है। देखिए मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, सामने देखिए बोर्ड जो अमानगढ़ का लगा हुआ है ना, आप ये बोर्ड देखिए, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो यहीं पर ही है, जो पूरा टेरिटरी जो है वो टाइगर का और बहुत सारे एनिमल का, बहुत सारे आदमखोर भी हैं यहाँ पे। और बाकी देखते हैं कि हमें क्या और देखने के लिए हमें मिल सकता है, क्योंकि अभी जो सांभर डियर का पूरा पूरा का पूरा फैमिली हमें देखने के लिए मिल गया, और आगे देखेंगे क्या क्या देखने को मिल सकता है, कि यहाँ पर कुछ क्या मिल जाए कुछ पता नहीं, हम सिर्फ वही दिखाने के लिए एक बार फिर से मैं आया हूँ यहाँ पर। तो गाय अमानगढ़ जो टाइगर रिजर्व था वहाँ से तो हम वापस आए, कि आखिर अभी इस टाइम पे जुलाई का मंथ चल रहा है, तो जुलाई में आपको पता है कि
सफारी जो है ऑलमोस्ट सारी बंद हो जाती है, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है, बारिश वजह से सफारी करते नहीं है, क्योंकि जंगलों में जो है पानी काफ़ी पड़ जाता है। अब सड़कों पर ये हाल है, तो सोचे जंगल में कितना ज़्यादा पानी पड़ जाता है। और बाकी मुझे बताया गया कि मतलब इस जो पूरे एरिया में शाम को टाइगर बहुत दिखता है यहाँ पे, मतलब कुछ कब्स वगैरह के साथ भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इस रात बारिश ऐसी होती रही तो शायद मैं आज कैंप नाइट कैंप ना कर पाऊँ, लेकिन नाइट कैंप अगर आज नहीं कर पाया तो कल तो खैर करूँगा ही करूँगा, क्योंकि एक दिन नाइट कैंप करके जो टाइगर में जो नाइट का टाइगर का एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर करना है। हालाँकि बारिश है और बारिश में मिलते हैं देखने के लिए, हमारा लक पर डिपेंड। देखिए अभी यहाँ से एक गया हुआ है, हालांकि लेपर्ड है, लेपर्ड जैसा ही लगा था मुझे, एक अभी देख के अंदर छुपा हुआ है, पर मुझे लगता नहीं कि बाहर आएगा ये, निकल ले यहाँ से इस टाइम पे। और देखिए सामने गाय खड़ी है, शायद इसी के चक्कर में आया था वो। और कैसे ऐसे दूर चले। तो वैसे आपने देखा तेंदुआ जैसे सडनली हमारे मतलब गाड़ी के सामने से ऐसा भागे, हम भी अचानक से डर से गए क्योंकि एकदम से भागे गया, वो गाय के चक्कर में आया था। वहाँ पर झाड़ी में बैठा हुआ था, उसका फेस देख के लगा था तेंदुआ, लेकिन वो सडनली एकदम से छुप गया क्योंकि दो थे वहाँ पे, लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं थे, वो बच्चे ही लग रहे थे। और वहाँ पे जो गाय खड़ी थी, खैर आए वो उसके चक्कर में। मैं यही बताना चाह रहा था कि यहाँ पे कुछ भी देखने के लिए मिल जाता। अभी देखो ना पूरा का पूरा जंगल है यहाँ पर, और यहाँ पर इस टाइम पर हालांकि मैं शीशे जो है ओपन करके गाड़ी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी डर उस बात का लग रहा है क्योंकि अभी सडनली गाड़ी के आगे आया और मतलब एकदम से भाग के गया वो। शायद वो पहले से वहाँ पर रेडी बैठा हुआ था, हमारी गाड़ी देख के वो एकदम से भाग गया, छिप गया, लेकिन वो आएगा ज़रूर वहाँ पे। ज़्यादा देर रुकना खैर यहाँ पे सही इसलिए नहीं था, क्योंकि कहते हैं टाइगर और लेपर्ड का जब शिकार कर रहा हो तो वहाँ पे ना रुके तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उस टाइम पर वो ज़्यादा खूंखार रहा था, तो उस टाइम पर वो केयर नहीं करता कौन सामने। मतलब यार सडनली आया, हम भी खैर डर से गए एकदम से, मतलब अचानक से आया वो हमारे सामने। चलिए।